हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे थे अल्कोहल फिनाइल एंड ईथर। इसमें हमने आपको बेसिक नॉमेनक्लेचर के बारे में बता दिया था। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे एल्कीन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारे मैकेनिज्म के साथ पढ़ना है। तो इसमें अल्कोहल का निर्माण आप एल्कीन से कर रहे हैं। जनरल अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, एल्कीन है। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन होता है ये इस तरीके से बन जाता है, और ये हमारा बनता है ये इस तरीके से OH दे देता है, यहाँ पे H दे देता है। ये हमारा क्या है, जनरल एल्कोहल का फॉर्मेशन है। लेकिन ये बनता कैसे, ये डिपेंड करता है हमारी सारी कहानी इस रिएजेंट के ऊपर। अब इस रिएजेंट में आपको कौन कौन से रिएजेंट के बारे में कहानी पढ़नी होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और जानना है। तो जो पहली कहानी हमको पढ़ाई जाती है रिएजेंट के बारे में, वो एक मिनट, वो रिएजेंट के बारे में जो कहानी आपको पढ़नी है वो इस तरीके से पढ़नी है। तो पहला जो रिएजेंट हमारा होता है उसको बोला जाता है, पहली जो प्रोसेस पढ़नी है इसको बोला जाता है फार्मेशन ऑफ एल्कोहल बाई एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, बाई एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। पहला ये टर्म्स पढ़ना है। दूसरा वाला जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको, पहले एक पढ़ा देते हैं, ये जो इसमें पढ़ना है ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, और इसमें सारी कहानी आपको पढ़ना है इसके केस में। अब हम लेते हैं एक एल्कीन लेते हैं, हमने कहा कि एक एल्कीन ले लिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिए। हमने कहा कि इस पर जो हम अभिक्रिया कराएंगे वाटर का हाइड्रेशन कराना है, और हमने रिएजेंट ले रखा है एसिडिक मीडियम में H+ के साथ ले रखा। तो यहाँ पे जो बन करके आएगा वो बन जाएगा हमारे पास CH3 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये जो बनता है ये हो जाएगा आपका CH3। ये हमारा कौन सा हो गया, एल्कोहल का फार्मेशन हो गया, एल्कोहल का फार्मेशन। क्या यहाँ पर जिस तरीके से बन रहा है क्या सभी जगह मार्कोनी काप्स रूल लगेंगे? तो ये हमने कहा कि हाँ मार्कोनी काप के हिसाब से होगा, ये मार्कोनी काप रूल्स लगता है आपका, मार्कोनी काप रूल्स लगेगा। ठीक है, मार्कोनी काप रूल्स लगा। तो मार्कोनी काप रूल्स यही कहता है कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एल्किल हैलाइड या कह लीजिए RX का संयोग होने पर जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमने कहा कि H+ चार्ज इसमें निकलेगा तो यहाँ पर जुड़ेगा एक H+ चार्ज, और OH कहाँ पर जुड़ जाएगा, इस वाले पे जुड़ जाएगा। लेकिन इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, तो मैकेनिज्म आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म की कहानी के बारे में हमको समझना है। तो मैकेनिज्म में बच्चा जो फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, स्टेप फर्स्ट, इसको बोला जाता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन फॉर्म कार्बोकैटायन। एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, जब प्रोटोनेशन होगा तो किसका निर्माण होगा, कार्बो कैटायन का। ओ पहला स्टेप की कहानी है। तो ओ कैसे बनेगा, देखिए बच्चा हमारे पास क्या है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड क्या है CH2। अब हमने कहा कि यहाँ पे H+ हमने ले रखा है एसिडिक मीडियम में, जब एसिडिक मीडियम में रखा है तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये हमारा किसका फार्मेशन करेगा, कार्बो कैटायन का फार्मेशन करेगा। जो कार्बो कैटायन बनता है वो कैसा बनता है, पॉजिटिव के साथ बनता है, और ये हमारे जो बन जाएंगे ये हमारा बन जाएगा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये जो बन रहा है हमारा इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर ये सेकेंड यहाँ पर आ जाएंगे CH3 CH, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा CH3 बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब सेकेंड स्टेप की कहानी आती है, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। कुछ बच्चे कहेंगे कि जो हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर कराई है ये इधर भी तो हो सकता है, एकदम बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे बच्चा कैसे होगा, यहाँ पर जो होगा ये CH3 आपने लिखा, CH लिखा, ये क्या आपने लिखा CH2। अगर आप इधर
ट्रांसफर कराएंगे पाई इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये इस तरीके से बनेगा। जब ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा बच्चा, तो जो इस तरीके का बनेगा, ये देख रहे हैं जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पर जो बन रहा है एक ऐसा बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो हाँ, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के बारे में जानते हैं, तो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है सबसे मोर स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कौन सा कार्बोकैटायन हमको बनाना होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना होगा। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमने बना लिया है, अब उसके बाद स्टेप सेकेंड की कहानी आती है, स्टेप सेकेंड की कहानी। स्टेप सेकेंड में आप देखेंगे कि जो स्टेप सेकेंड की कहानी जो होती है, इसमें आप देखेंगे कि कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो कहाँ से आएगा, हमारे न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन बनेगा, वाटर बनेगा। जब वाटर बनेगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, देखिए यहाँ पे CH3CH बना हुआ है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ये बच्चा क्या बना हुआ है, CH3। अब हमने ले रखा है वाटर, जब वाटर हमने ले रखा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखें HOH, तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल की है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और कहाँ करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल हमारा किसके, कौन सा बना, कार्बोकैटायन। जब कार्बोकैटायन बनेगा तो ये आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा बच्चा, CH3 हो जाएगा, CH बांड OH2, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो इस पर है इस पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3। अब थर्ड स्टेप की कहानी जो हमको करनी है वो हमारा थर्ड स्टेप रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, रिमूवल। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे देखेंगे आप, जब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर OH हमारा अनस्टेबल है चूँकि हमने कैटलाइज के भार लिया है, कैटलिस्ट हमारा है जो कि हमारा रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमने H+ आयन को लिया है, तो H+ आयन यहाँ से क्या करना होगा, निकालना होगा। अब निकालना होगा तो H+ आयन यहाँ से इजीली निकल जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH बांड CH3 OH2। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हम निकाल रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हमारा H+ आयन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा CH3 CH बांड CH3। और यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा, हमारा OH बन जाएगा, ये हमारा बन गया क्या, एल्कोहल। तो देख रहे हैं आप सारे प्रोसेस में आप मार्कोनी-काफ नियम को रूल लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि सभी जगह मार्कोनी-काफ रूल्स नहीं लगते हैं। कुछ जगह यहाँ पे हमने जनरल ऊपर से देख रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमने मार्कोनी-काफ रूल्स लगा दिए हैं, लेकिन इसके आगे की अगर प्रोसेस की हम बात करें तो मार्कोनी-काफ के नियम को आप नहीं लगा पाएंगे। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, एक आध दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करिए घर पर, ट्राई करिए कि हम क्वेश्चन आप लिखेंगे कि इसमें से कौन सा एल्किन सबसे आसानी से वाटर के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो दिया जा रहा है आपको, ये पहला है आपका ए दे दिया जा रहा है, CH2 डबल बांड CH2। बी वाला ऑप्शन दे दिया जा रहा है, CH3 CH डबल बांड CH2। सी वाला आपको ऑप्शन दे दिया जा रहा है, CH3 बांड CCH3। यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो इसमें से आपको तीनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ये एल्कीन आसानी के साथ एकदम अच्छे ढंग से वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। एक क्वेश्चन ये आपका दे दिया गया है। दूसरा का क्वेश्चन आपको बच्चा हम दे दे रहे हैं कि चलिए बताइए रिएक्शन को कम्प्लीट करना है, रिएक्शन क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है, या तो कह देगा कि मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो मेजर प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है CH2 डबल बांड CH2, यहाँ पे H+ और दे दिया गया है वाटर। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर दे दिया गया है CH3 CH डबल बांड CH2। यहाँ पर भी कौन सा H+ और वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन सा एल्कोहल बनेगा, ये पर कंपाउंड के बारे में लिखना है। यहाँ पर भी दे दिया गया है CH2 बांड CH2 डबल बांड CH2। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा।
तो इतने क्वेश्चन को आप करिए, सॉल्व करिए, लगाने के बाद देखिए बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस लेक्चर में तो 10 से 3 यहाँ पे सब हम अवेलेबल रहते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन हमारे साथ यहाँ पे इजीली कर सकते हैं आकर के।